भाइयों वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम लोग आए हुए हैं पटना और बिहार के सबसे बड़े मॉल जो अपने पीछे है, पटना का सिटी सेंटर। तो ये खुले हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, बट आज हम लोग आए हैं विजिट करने के लिए। तो खुद भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं और आप लोगों को भी विजिट कराते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ ओपन हुआ है, क्या क्या चीज़ खुला है और साथ में कौन से ब्रांड के। मतलब पहले तो पटना का जो था ना सेंट्रल मॉल था, काफ़ी बड़ा मॉल में काउंट आता था, लेकिन इन दिनों किसी इशू के वजह से वो चीज़ कर दिया गया है बंद। तो अभी हम लोग मेन गेट पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देखें अगर तो गेट नंबर 1 उधर से स्टार्ट होता है, गेट नंबर 2 हो गया और ये हो गया गेट नंबर 3, और गेट नंबर 4 जो है ना वो अपना यहाँ पर है। और लास्ट टाइम में इस वीडियो में दिखाएंगे कि इसका जो पार्किंग का प्लेस है वो कैसा मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने बाइक अपना वहाँ पर पार्क कर दिया है पार्किंग वाले जगह में। तो पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना गेट नंबर 3 से, यानी हम लोग एंट्री लेते हैं। और अपने साथ अभी इस वीडियो में है मुदस्सिरुद्दीन और कैमरामैन का, खैर नाम कैमरामैन जो है वो वीडियो में आना नहीं चाह रहे हैं, इस वजह से उन्हें कहें कि भाई आप जो है कैमरा की कमान संभालो। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग यहाँ से लुक देख लो, ये जो है इसका मेन एंट्रेंस है, ठीक ना। ये आप इधर से एंटर करो, उधर से आउट हो और उस जगह सिटी सेंटर, ये सारा चीज़ यानी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऊपर साइड में काफ़ी सारे यानी ब्रांड्स के जो नाम है, क्रिस्टा हो गया, अंबुजा, न्यूटिया हो गया, ये सारा चीज़ भाई आपको मिल जाता है। तो यहाँ से अपना जो है एंट्री स्टार्ट होता है। देखो लोग जो है फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। भाई को अभी ट्रेनिंग देना पड़ेगा और अच्छे से सीखा नहीं है, अभी देख रहे हैं बस पोज मार रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आप देख लो बाहर का जो है लुक कुछ इस तरीके का यानी आपको मिलता है। ऊपर साइड हम लोग आ गए हैं और बीच में लगता है ये झरना वरना वाला सिस्टम है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ है बंद। आओ चलो 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 चलो, कम 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 कम, इधर देखिए। इधर आपको मिल जा रहा है सबसे पहला जो शॉप है वो मतलब लड़की लोग से रिलेटेड है, सारा परफ्यूम हो गया, ये सारा चीज़ जो है गर्ल्स लोग का आता है वो चीज़ मिलता है यहाँ पर। भाई प्लास्टर किया है ना, छोड़ दिया नहीं, ये वाला पेंट जो किया है ना, जो भी मतलब पेंट वही प्लास्टर टाइप का। इधर से हम लोग इंटर करेंगे, उधर से एग्जिट करेंगे, मतलब कर सकते हैं लेकिन आसान आसान होगा हम लोग को। अब देखिए एंट्री में आपका यहाँ पर होता है सिक्योरिटी चेक, नाम का सिर्फ। खैर कैमरा ऑफ करने के लिए इन लोगों ने यानी रिकॉर्ड करने के लिए मना किया नहीं। अब यहाँ पर देख लो सारा परफ्यूम ये सारा चीज़ का यानी सेटअप मिलता है, और वो जो है जूता का ब्रांड है। और ये देखिए भाई तो काट लेगा काट लेगा काट लेगा, रे दूर रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब ये लोग ना ओरिजिनल कुत्ता नहीं रखा, यही सबको रखा है, ये ज़्यादा वफादार होगा। अब देखिए यहाँ जो है मेन एंट्री है और ये बीच में आपको मिल जा रहा है ग्राउंड जैसा जगह, ये तो बाहर से मालूम ही नहीं था, ऐसे भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना। ये देखिए इस तरीके का आपको अच्छा, ये भी फर्स्ट टाइम बोले तो कि हम मतलब यहाँ आगे हमको लग रहा है कि हम दुबई मॉल आ गए हैं। ऊपर साइड देखिए, अच्छा ऊपर साइड देखो मिरर टाइप, मतलब मिरर ने रात की वजह से लग रहा होगा, ऐसे दिन में उजाला ही रहता होगा। कि आप एंट्री उधर साइड से लेते हैं तो यहाँ पर आपको शॉपर स्टॉप का जो है दुकान वो चीज़ मिल जाता है, और इस साइड ना टोटल यानी जूता का ही दुकान है। ये आप देखें तो स्केचर्स ऐसे करके कोई ब्रांड है, थोड़ा इधर जो है हाईलाइट हो रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है। उसके बगल आप जाते हैं तो पूमा का हो जाता है, पूमा का, हालांकि इसमें कपड़ा वपड़ा सारा चीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूता ही मिलता है। और अंदर चलिए, अभी तो नया नया खुला है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि यहाँ भी आपको सन्नाटा हो जाएगा। नहीं जूता का नहीं, हम समझे ना कि टोटल जूता ही का होगा लाइन से, लेकिन नहीं मिला जुला हुआ, लेकिन रखना चाहिए तो वैसे ही खजांची रोड जैसा एक लाइन से। भाई अम्बेसडर, ओहो इसका तो इंजन विंजन फेल हो गया होगा, डीजल इंजन खत्म। ये है मोची का शोरूम यहाँ पर,
अभी बहुत सारा चीज इसमें बना है। नहीं नीचे साइड देखिए, देख रहे हैं मिथिला पेंटिंग है ना, मिथिला पेंटिंग है। हाँ पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में ज्यादा वजन आप बताएंगे। कौन पेंटिंग है, कौन पेंटिंग है? मिथिला, उसको अधूरा छोड़ दिया है। नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, मियां, मियां भाई तनिस। मैंने नहीं, सेंट्रल मॉल का जो भी शॉप बंद हुआ सब यहाँ आ गया। सेंट्रल मॉल का हाँ, जितना भी दुकान बंद हुआ होगा ना वो सारा यहाँ आ गया। और ये तो खैर निकलने वाला होगा, इधर चला गया ना, इधर ना चलेंगे, इधर बाद में आते हैं हम लोग। उस साइड से फिर से हम लोग यहीं पर आ गए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ दिखाएं, कुछ वैसा है कहाँ यानी दिखाने वाला। ये सब काफ़ी सारा इसमें एरिया है भी बंद पड़ा हुआ, धीरे धीरे सारा चीज़ खुलेगा। क्योंकि बाहर साइड से आप देखिए ना तो बहुत ऊंचा इसमें बिल्डिंग है, लेकिन अभी खुला हुआ है यानी अपने यूज़ में बहुत कम ही जगह है। फिर इस जगह लाइफ स्टाइल, मतलब यहाँ तो खैर आपको नॉर्मली क्या कहें, कपड़ा इन सब से रिलेटेड जो भी हो गया इन्हीं सब चीज़ का आपको दुकान देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लो तो ज़्यादातर तो लग रहा है लड़की लोग का चीज़ मिल रहा है। यहाँ नायका वाला देखो तो कितना फेमस हो गया, बोल तो रहे हैं कि नायका जो थी नॉर्मल कोई लेडी है वही स्टार्टअप की थी। एक व्यू आप लोग देख लो यहाँ ग्राउंड फ्लोर से ऊपर साइड में, कुछ इस तरीके का आप लोगों को जो है रूफ मिल जाता है। मुड़िया मुड़िया मुड़िया, ओहो जंगल तो भाई। यहाँ जितने भी ब्रांड्स हैं ना सारे काफी महंगे महंगे हैं, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं सीधा सीधे अपने लाइक जो है ब्रांड या फिर अपने बजट के हिसाब से ठीक अपने अपोजिट साइड है, यहीं चलते हैं। यहाँ भी नहीं भाई, ये भी अपने औकात से बाहर है ना। ठीक है इतना लाइक तो है यार। देखिए दोस्त लोग जो है ना लेडीज वाला डिपार्टमेंट में घुसा दिया हम लोग को, ऊपर साइड है। चलो चलो आओ, ऊपर है ऊपर है ऊपर है। भाई हम तो एकदम बच्चा लग रहे हैं, और दाढ़ी कटा के आ जाते तब तो फिर एकदम फोर इयर्स है ना। साथ में कपड़ा भी तुमको दिला देते बेबी वाला छोटा छोटा, पहले फट जाता कपड़ा। तुम तो लग रहा है कि गोवा वाले बीच पे जा रहे हो क्या? हाँ लाल लाल, यहीं से पहन के सीधा मरीन ड्राइव चले जाते हैं। चलो बातें की हो जाएगा, उतना दूर कह ले जाओगे, बगल में तो है। तो यही जो है अपना ना सही है यहाँ टर्टल, ये सारा जो ब्रांड है पोलो हो गया उस जगह, इस जगह फ्लाइंग मशीन हो गया, ये सही है अपने हिसाब के लाइक अच्छा जगह है। बजट भी यहाँ सही है, जैसे देखिए जॉन्स प्लेयर का हो गया इस जगह। तो मॉल ये सारा चीज़ तो आप लोगों को दिखा ही दिए कौन कौन सा दुकान है, बट एक चीज़ जो है वो चीज़ यहाँ दिखाना बनता है, ये है अपना वॉशरूम। क्योंकि भाई वॉशरूम कैसे बच सकता है। इतना बड़ा मैंने भाई मकान रहता सब का, समझे, घर रहता है कि नहीं, इतना बड़ा इधर है और इधर है, इधर है आज तरीके गोलंबर जैसा है। वही बीच में इन लोगों ने आंगन जैसा बना दिया है, जैसे घर में कैसे रहता है आंगन बड़ा सा, चारों तरफ जो होता है रूम 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 रहता है, वैसे ही चारों तरफ नीचे साइड में दुकान है ऊपर साइड में, बस यही जो है ना इसके ऊपर एक और फ्लोर है। ऐसे तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से किए थे, आप यहाँ पर देख लो, अब इसके ऊपर चलेंगे एक और फ्लोर, उसके बाद जो है बाहर निकलेंगे एग्जिट होंगे और ख़त्म करेंगे कहानी वहानी, क्योंकि वैसा कोई ख़ास चीज़ यहाँ हम लोगों को समझ में आया नहीं। ये कहीं पर आई लव बिहार का बोर्ड भी लगा हुआ है, ये पता नहीं क्या लगा हुआ, लोग जो है फोटो यहाँ पर खिंचा रहे हैं।
चलो 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 ले लिए, चलो जी चलो चलो ऊपर साइड से। नहीं लेता होगा। हाँ अब इसी का कमी बचा था, ये भी मिल गया अपने को। डू नॉट टच उधर पीछे। अच्छा ऊपर में खाने वाने का जितना इंतजाम है, KFC ये सारा चीज का आउटलेट है यहाँ पर, हर जगह है ना। नहीं तो तुम PNM चले जाओ, सबसे ऊपर हम कोलकाता गए हैं, सबसे ऊपर। अच्छा इधर KFC है, और कौन सा है? देखते हैं खोल कर, है ना। ओ अच्छा इधर खेलने कूदने का भी है भाई, देख रहे हो पूरा इंतजाम है। कौन गया था? बहुत खर्चा, देख रहे हैं बच्चा लोग का, यहाँ चार्ज नहीं होगा फ्री होगा ना, पूरा इंतजाम किए हुए हैं। और ये पता नहीं बड़ा सा बिल्डिंग में क्या होने वाला है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है ये चीज़, इसका पीछे साइड का है। ब्रिस्टा में महंगा मिलता है बहुत, कॉफ़ी में कॉफ़ी भी बहुत महंगा, 100-150 है। KFC हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, टाटा का है और कहाँ है, और तो और कोई था, पिज्ज़ा हट है, डोमिनोज बहुत बड़ा है मेन बात है। आ उधर साइड से दिखेगा बाहर बाहर बाहर, आप देखे ना ब्रिस्टा और साथ में वो जो झूला वूला लगा हुआ है, यहीं से सीधे नीचे साइड आपको व्यू दिखता है, यानी हम लोग ऊपर साइड में भी है, ये देख रहे हैं नीचे साइड का टोटल आपको जो है व्यू इस तरीके का यानी देखने को मिलता है। ड्रोन कैमरा रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा इस मेन तो, अरे इस सबसे तगड़ा चीज़ तो ये लगता है, तो ये है क्या? ये तो एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर डिजाइन तो अंदर साइड में कुछ होगा ना, साइड में तुम्हारा बिल्डिंग होगा या जैसे ये है ना, हाँ जैसे ये है ठीक ना, अगर मान लो उधर चलेगा खुलेगा अंदर, खुलेगा या फिर बैंक्वेट हॉल या फिर तुम्हारा, हाँ, ये हमको लगता है सिनेमा हॉल होगा, हाँ या फिर हो सकता है सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, मतलब एक साथ, एक साथ में दो चार वो चलेगा, चलिए जी। तो यही टॉप फ्लोर है, लास्ट यहीं पर आकर के ख़त्म हो जा रहा है, ऊपर साइड में छत लगा दिया गया है, शीशा का सारा चीज़ यहीं पर था, वो ब्रिस्टा ये सारा चीज़। और अब यहां से हम लोग, आप एक बार देख लीजिए ऊपर साइड से लुक, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, हालांकि इसके नीचे साइड और अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो चीज़ है, तो ये ग्राउंड कह सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ऊपर साइड, यही फोर्थ फ्लोर तक इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आपको किताब विताब सारा मिल जाएगा, तो इससे तो हम लोग का यानी मेरा खास करके दूर दूर तक वास्ता है नहीं, किताब से मेरा दूर तक वास्ता है नहीं, बता दे रहे हैं, देख लीजिए दो पढ़न पुत किताब देखते हुए, एक इसमें ये जो है लड़का थोड़ा पढ़ने वाला है, और ये जो है एकदम उसको भी किताब से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ मोबाइल से वास्ता है। क्या बोल रहा, बता रहा हूँ ये वाला बुक तो तुम शायद लिया था ना? हाँ लिए ही थे, दो पेज पढ़ कर रख दिए हैं, ये मुझे मुन्ना किसी को गिफ्ट दिया, ये बोल रहा है ये वाला 021, तो वही हम पूछ रहे थे कि क्या इसका, मुझे बोला कुछ समरी जानते हैं, तो बोले क्या ये जानता होगा, इसके बारे में हम पीछे से बता दें कि ये पढ़ने वाला लड़का, इसको बुक से वास्ता है और इसको सिर्फ मोबाइल से वास्ता है, तुमको और हमको किताब से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। फैक्टफुलनेस, तुम अपना बुक लॉन्च करने के लिए कब लॉन्च करोगे? अभी और भी कुछ कुछ चीज़ बचा हुआ है, आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं ठीक ना, बहुत बड़ा जगह है यार, थक जाएगा आदमी यार घूमते घूमते। यही मिल गया आई लव बिहार, जो खोज रहे थे नीचे साइड से, जिसका जिक्र कर रहे थे हम लोग, जाओ जाओ खड़े हो जाओ जी, चलो कोई तो खींचा रहा है, बैठ जा भाई, अल एक एक चीज़ के लिए एक एक गार्ड को रखे, यहाँ का लौंडा लोग तो हरामी है, तेरा दिल उखाड़ के दे देगा लड़की को, दे देगा लड़की।
हर फ्लोर पे गार्ड ध्यान रहे, लेकिन उस जगह ऐसा खड़ा कर दिया, दोनों चीज खड़ा किया कि दोनों एक बंद दो गार्ड। अब इधर बचा अपना इस वाला किताब वाला सेक्शन के जस्ट बगल में टाइम जोन वाला चीज, एंट्री तो नहीं मिलेगा जैसा कि लग रहा है। एंट्री बंद है क्या भैया? हो गया टाइम खत्म? चलो यहीं से दिखा देते हैं, अपना जनता लोग को यहीं से जूम करके दिखा देते हैं, देख लीजिए आप भाई यहीं से। क्लोज हो गया क्या? चलो यार बंद हो गया, दिखा दिए यहीं से जूम करके। मोरा पिया कहाँ गया? इधर हम लोग जो है अपना BMW का दुकान खोलने वाले हैं, यानी शोरूम। यहाँ पर हम लोग अपना BMW का जो है ना शोरूम खोल लेंगे, समझे? इंशाल्लाह। ऊपर से डायरेक्ट बोलेंगे कि बहुत मजबूत है, सेफ्टी रेटिंग चेक कीजिए ना, हम डायरेक्ट कुदा देना चाहेंगे। लिफ्ट से चलोगे कि बाद? गाइस अब हम लोग वापस से यहाँ नीचे साइड जा रहे हैं, पीछे साइड टोटल जो था वो एरिया ख़त्म हो गया। अभी काफ़ी सारे ब्रांड्स आएंगे, वो अपना अपना यहाँ पर दुकान खोलेंगे। और आवाज़ भी आज कुछ खास आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, आज संडे भी है, इस वजह से एक अलग ही क्राउड है। तो अब नीचे का दिखा देते हैं, फिर पार्किंग बताया जैसे कि पार्किंग दिखाना, तो वो चीज़ भी आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ी देर में। ब्लॉग बना रहे हैं भाई, चालू है, बोल दिए कि नीचे जा रहे हैं। बैकग्राउंड ही से बोल रहे हैं। किधर से आए थे हम? चलो चलो उधर 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 नहीं 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 उधर ही से आए थे, उधर से आए थे, लेकिन इधर से भी निकल सकते हो? निकलना है हम लोग उधर से ना, कोई जरूरी है उधर से, अंदर ही से निकले, बाहर तो नहीं निकल सकते। अच्छा अच्छा उधर से नहीं किए थे, सही सही सही, बहुत बड़ा है यार, घूम भी नहीं पाए अच्छे से। अब देखिए ये जो है मेन बाहर निकलने का जो है आप तरीके, इस पर से भी उतरा जा सकता है, बट मज़ा आ जाएगा, लेकिन उतर जाओगे तो। चलिए जी, मैनुअल सीढ़ी हमेशा जिंदाबाद रहा था, जिंदाबाद रहा है और जिंदाबाद रहेगा, बस अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए यहाँ पर अब खाली हो गया, रात ही में आने का था भाई, देख रहे हो अब। देखिए अब आप लोग देखिए यहाँ पर अब जो है भीड़ भाड़ खत्म हो गया, और पीछे साइड जाते हैं, पीछे से आपको एक लुक देते हैं। अब देखिए देख रहे हैं वहीं पर हम लोग थे, जो ऊपर में था ना बरिस्टा वाला, उस जगह थे, वहाँ से आप लोगों को नीचे वाला जो चीज़ था वो दिखाए थे। यही मोटा मोटी चीज़ है वैसा, ये थोड़ा छतरी टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है, इसमें तो बारिश होगा तो बीच में दे दिया गया होगा सिस्टम, ये शायद ऑटोमेटिक ओपन भी होता है और बंद भी होता है। हाँ, ऑटोमेटिक है सारा, देख लो सिस्टम है, सिस्टम लग ही रहा है कि खुल जाएगा और बंद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है दुबई उबई का, कुछ कुछ वीडियोज में हम लोग देखे है ना। लेकिन मेन बात है ना कि सही जगह पर है नहीं, जैसे कि जो लोकेशन है, मतलब ये देख रहे हो सामने बिल्डिंग है बगैर पलस्तर वाला, मतलब जैसा कि मतलब ये मॉल जिस हिसाब से है उस हिसाब से कोई लोकेशन और अच्छा रहना चाहिए था, जैसे कि जहाँ पर ग्रेविटी मॉल ये सब बना है, हाँ, ग्रेविटी मॉल जहाँ बना है, या मेदांता हॉस्पिटल बना है, वो सब ओपन जगह है, हमारे यूएस को एक बार मेदांता भी टूर करा, मेदांता टूर करा देंगे, बात कर रहे तुम भाई रिसेप से। वहाँ पर देखिए एक नॉर्मल टाइप का यानी एनालॉग स्टाइल वाला घड़ी लगा हुआ है, लेकिन वो जो है अभी टाइम गलत बता रहा है, अभी आपको टाइम बताया ना, तो टाइम अभी हो रहा है, हाँ तो अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है भाई 9:40 यानी रात हो चुका है, लेकिन वहाँ के हिसाब से करीब 11 बज गया है। ठीक, अब देख लो, तो यही सारा चीज़ है। अब चलिए नॉर्मल यहाँ पर डिजिटल प्लानट करके मोबाइल का लग रहा है ये वाला चीज़, फ़ोटो खिंचाना है किसको खिंचाना है? और बीच में आओ ना, सेंटर में, हाँ दोनों के बीच में, और थोड़ा थोड़ा बस भैया, थोड़ा सा लेंगे एकदम, देखो ना एकदम तुम्हारा पूरा, चल हटा दो। तो बाय बाय सिटी सेंटर हम लोग जा रहे हैं भाई अपना, यहाँ से सारा टूर आप लोगों को जो है, अरे
भाई यही ओवरऑल जो टूर था आपको इस सिटी सेंटर का था। अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी फिलहाल वो दोनों जो दोस्त है अपना वो तो छोड़ के यहाँ से निकल गया है, वैसे जाएगा कहाँ। बाइक वाला जो कार्ड है ना पार्किंग वाला वो अपने पास है, कुछ इस तरीके का ये लोग कार्ड देते हैं। और यहाँ पर देख लो तो सिटी सेंटर इस तरीके से यानी लिखा हुआ आपको मिल रहा है, अम्बूजा नोकिया ये सारा चीज़ मिल जा रहा है। अब आप लोग को मेन चीज़ है ना पार्किंग दिखाते हैं कि पार्किंग कैसा आपको सिस्टम मिलता है। बाइक तो इन खैर हम लोग किए थे इसी जगह से, हाँ इन यहीं से हुआ था और आउट होने का उस साइड से होगा। और पार्किंग का जो चार्ज है वो है अपने को टू व्हीलर का आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल आपको कितना कैपेसिटी बचा हुआ अंदर साइड में वो बताएगा। सिटी सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है और ये टू व्हीलर का है 20 रुपया फर्स्ट 2 आवर्स का, और 2 घंटा यानी बाद अगर करते तो पर आवर का 10 रुपया लगेगा। 4 व्हीलर का 30 रुपया, 2 घंटे बाद से 10 रुपया यानी सेम जो 10 रुपया है वो एक्स्ट्रा लगने वाला है। और इस जगह से चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो, कहाँ से निकले हैं, बैठ जाए, लंबा दूरी है ना। देखिए नीचे साइड में टोटल बाइक का है, अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रिपल रोड, वहाँ से बाहर निकल के ऑटो पकड़ लेंगे हम। ठीक है, पूरा खाली पार्किंग है, देख रहे नीचे साइड से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और ऊपर में भी मिल गए थे अपने आशीष भाई जिनके साथ थोड़ी सेल्फी वेल्फी हो गई। किसी के पास थैला वैला है नहीं, कोई ज़्यादा खास शॉपिंग किया नहीं है, सब खाली हाथ जा रहा है। अभी मैं नया नया है ना तो सबको चूल मचा हुआ है यहाँ घूमने का, इसीलिए सब पहुँच रहा है। देख रहे लौंडा लपेटा सब मतलब पहुँचा हुआ है, दो गो इधर है लौंडा लपाटा, एक हम भी हैं लौंडा लपाटा। हाँ निकाल रहे हैं भाई, पकड़ो कार्ड, पकड़ो कार्ड, पकड़ो। तो यहाँ ये लोग कार्ड चेक कराते हुए, चलिए जनाब। अरे हम लोग यहाँ पे नहीं गए भाई, पेड़ पौधा लगा हो कौन सा, यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। पीछे साइड से देख लीजिए, तुम बनोगे ये क्या बोलते हैं। तो चलिए यहाँ भाई टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक, अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।